देखिए आज देवली उनियारा की जो घटना हुई थी उसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल जो है किरोड़ीलाल मीणा के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहरलाल सिंह बैडम के यहाँ पहुँचा है, जिससे हम जानेंगे उनकी क्या प्रमुख मांग है और क्या लेके वो पहुँचे हैं। सर क्या प्रमुख मांग है, क्या आप आज जो गृह राज्य मंत्री से बात की? हमारी यही थी, हमारी तहसील 15 किलोमीटर से 85 किलोमीटर दूर जाके रख दी, तो उसमें गाँव वालों की ये मांग थी भाई हम वोटिंग जब करेंगे जो हमारे को न्याय दिलाया जाए, हमारी तहसील वापिस उनियारा जुड़े, ये बात थी। इसमें धरना चल रहा था और हम वोटिंग कर देंगे, दो बात कलेक्टर साहब से करनी है, तो कलेक्टर साहब नहीं आ पाए, उसने झांसा दे रखा था पुलिस ने दिन के अंदर, और अंधेरा पड़ते उसको लाइट कटवाई, लाइट कटवाने के बाद उसको लाठी और गोली फायरिंग की, जिसमें औरतों के जम जम के लट मारे उसको, और गाँव वाला एक भी कोई पत्थर लाठी पत्थर कुछ नहीं थे, किसी ने हाथ नहीं उठाया गांव वालों ने, होगा बार वाले हो गए, गांव के नहीं थे एक भी, अन्याय किया है हमारे साथ में। एक औरत बीमार खाट पे पड़ी हुई लेटी हुई, उसको रजाई उगाड़ के उसके लट मारा है, ये पैर फ्रैक्चर हो गया, घर के बाहर साधन थे उनके खुद हाथों से आग लगाए हैं, मैं डर के मारे कम से कम बहुत दूर तब मेरी भैंसें बंधी हुई थी वहाँ पे मैं खड़ा था, वहाँ से मैं देख रहा था हाथों से सिख जो जो कि उसने झोले पुली के झोले थे उसमें आग हाथों से लगाए हैं, और जनता ऊपर से कूदने लगी ना जब उस झोले जलाए हैं भाई कैसे डाकेगी, और उसमें गोले चला चला के लाचार कर दे आदमी। तो अभी आप मिले हैं जवाहरलाल सिंह मैडम जो गृह राज्य मंत्री हैं, तो हमने क्या हमने ये बोला, उन्होंने भी ये बोला न्याय दिलाया जाए, और हमारे को न्याय चाहिए, हम नहीं जाएंगे 85 किलोमीटर 15 किलोमीटर रहेंगे, ये हमारा वादा है प्रशासन से मंत्री जी से सभी से निवेदन है हमारा, ये बात करना चाहते हैं हम, और बेकसूर मारे हम लोग गांव वाले। आज बताई जा रही है कि एक लिस्ट बनी है जिसको निर्दोष पकड़े गए, निर्दोष पकड़ा हुआ है ये बच्चे दे दे लट गाड़ियों में डाल के और रातों रात ले गए, उसका हम इलाज नहीं कर पाए और उसको तुरंत छोड़ा जाए, जहाँ भी वो जहाँ से वापिस छोड़ा जाए, यही मांगे हैं हमारी और उनियारा में जुड़ जाएं। तो ये देखिए ये जो थे ये गो के जो प्रतिनिधि मंडल था वो एक आया हुआ था जो किरोड़ीलाल मीणा जो है उनके साथ यहाँ पहुँचा था, जो गृह राज्य मंत्री जवाहरलाल सिंह बैडम से इन्होंने अपनी मांगे रखी है, और वहीं गृह राज्य मंत्री जो जवाहरलाल सिंह बैडम है उन्होंने भी कहा है कि जल्द ही जो भी कार्रवाई होगी जांच होगी, जांच बन के जो कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।